कुछ नहीं कहा गया। रांची में विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें आज सुबह की ही बात है जब हमारे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने तीसरा आम बजट पेश किया और उसके बाद कुछ लोगों में आक्रोश, कुछ लोगों में खुशी नज़र आ रही है। और इसी क्रम में इस वक्त हम बातचीत करने के लिए सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि सिर्फ हमारे ज़िले या शहर का ही नहीं बल्कि राज्य के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है, उसी संगठन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मुकेश मित्तल सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू सर। आज बजट पेश किया गया है और इसको लेकर लोगों में जो रिएक्शन है वो तो ठीक है, आप अपनी गतिविधि और प्रक्रिया बताइए इस पर क्या है। आज झारखंड राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने झारखंड विधानसभा में 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड तिलका मांझी का प्रदेश है, झारखंड सिद्धू कानू का प्रदेश है, झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का प्रदेश है, झारखंड चार भैरव का प्रदेश है, झारखंड फूलो झानो का प्रदेश है, मगर इसके इत्र जो झारखंड में जन्मे हैं झारखंड उनका भी है। ये मैं एक जिम्मेदार संस्था में एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए अपने मन की बातें कह रहा हूँ। आज जो बजट पेश किया गया उसका टोटल बजट आउटले 1,01,101 करोड़ का टोटल बजट एक्सपेंडिचर दिखाया गया है, जिसमें लगभग 76,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू एक्सपेंसेस और 26,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट अनुमान किया गया है। और बजट डेफिसिट, जो बजट इनकम और बजट एक्सपेंसेस का डिफरेंस होता है, वो 11,000 करोड़ का अनुमान किया गया है। 26,000 करोड़ रुपया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट किया गया है, मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकारें हों, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 40 से 50% होना चाहिए, जिससे कि रोज़गार की व्यवस्था उससे होती है और स्टेट फलता फूलता है। अगर सार्वजनिक तौर पर देखें तो बजट की कुछ छोटे फीचर्स ये हैं कि सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा पेयजल पर पिछले वर्ष की अपेक्षा में इस बार 20 से 27% खर्च की बढ़ोतरी की है, इजाफा किया है। और कुछ और फीचर्स ये हैं कि आम जनमानस को बाहर इलाज जाने के लिए सरकारी एयर एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराने की बात की गई है, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड की बात की गई है, 85 लाख लीटर दूध उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है किसानों के लिए भी कॉर्पस फंड, बिल्कुल बायोगैस की भी फोकस किया गया है। और जहाँ तक व्यापारियों की बात है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स के लिए वेंचर कैपिटल फंड की बात की कही गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो व्यापारियों के लिए यहाँ जो बजट में आया है, चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भविष्य की चीज़ें हैं, इसमें झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाने की बात कही गई है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात जो ये है कि झारखंड खनिज संपदाओं से भरा प्रदेश है और इस पर बहुत कुछ नहीं कहा गया, जिससे कि हमारे जो मिनी स्टील प्लांट्स हैं उन्हें रॉ मटेरियल की बहुत किल्लत होती है, रॉ मटेरियल जुगाड़ करने में, आयरन और जुगाड़ करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशंस रहते हैं। मेरा ये मानना था कि झारखंड सरकार को झारखंड मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसको पूरी तरह एक्टिव करने की आवश्यकता है, ताकि जो स्टेट इतने खनिज संपदाओं से भरा है और वहाँ की स्टील प्लांट आयरन ओर के लिए तरसती हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में सरकार झारखंड मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल को पूरी तरह एक्टिव करके एक प्रॉपर सिस्टम बना के
एक ऐसी सुविधा बनाए ताकि हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं उनके सर्वाइवल पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आए। ये सब बजट फिगर्स थे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो बजट में कहा गया है वो कितना ज़मीनी स्तर पर उतारा जाता है, अमल में कितना लाया जाता है। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। टाइमली, इफेक्टिव, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ